2019 लोकसभा चुनाव की रणभूमि तैयार हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी रणभूमि में कूद चुकी हैं। ऐसे में सपा बसपा गठबंधन भी भला क्यों पीछे रहना चाहेगा। मऊ जनपद में सपा बसपा के जिला स्तरीय संयुक्त कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक साथ हिस्सा लिया। इस बैठक में दोनों ही पार्टी के नेताओं ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला, साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को परास्त करने का दावा किया। 2014 में वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष, 15 लाख खाते में सबके, ये जो वादे किए इसका, और जितने उन्होंने स्लोगन दिए कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, क्या भ्रष्टाचारियों को उन्होंने सजा दिला दी, उनके राज्य में यहाँ से करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लेके भ्रष्टाचारी इस देश को छोड़कर भाग चुके और सेफ पैसे दिया इन्होंने भागने, ये तमाम मुद्दे हैं हमारे पास जो जनता के बीच जाएंगे और मुद्दों के आधार पर चुनाव। कोयले लगता है 2019 में कितनी सीटें पाएंगे आप? एक तरफा जीतेंगे हम, सुपड़ा साफ होने वाला है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल। थैंक यू कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का संयुक्त बैठक करने का निर्देश हुआ था। उसी निर्देश को ध्यान में रखते हुए आज मऊ जनपद लोकसभा घोसी में यह विशाल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी जिला स्तरीय सम्मेलन हो रहा है। इसमें आज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता आज ये तय करेंगे कि 2019 में देश की दशा और दिशा दोनों तय करेंगे और होने वाले 2019 के चुनाव में इस देश का प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेंगे। ये आप लोग चुनाव किस मुद्दे को लड़ेंगे इस बार 2019 में? मुद्दा क्या है आपके पास? मुद्दा तो मेरे ही पास है। क्या मुद्दा है? हमारे पास ही यहाँ इस देश के अंदर झूठ और सच की लड़ाई है, तो सारे मुद्दे मेरे पास है। अपोजिट के पास मुद्दा भी है, वो केवल झूठ का प्रचार करते हैं, जबकि हम अपने नेता के निर्देश पर सही बात, देश की आम जनता की सही आवाज को उठाने का काम हम बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों शीर्ष नेतृत्व नेता करते हैं। अभी आपने कहा कि बहन